सीधा आपको उत्तराखंड से तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर हरीश रावत धरने पर बैठ चुके हैं। कांग्रेस के नेता हरीश रावत धरने पर बैठे, कथा मुक्त सड़कों को लेकर धरने पर बैठे हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ऐसी भी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सड़क पर ही धरने पर बैठे हुए नजर आए हरीश रावत। और ये तस्वीरें आप देखिए, गड्ढा मुक्त सड़कों को लेकर धरना देते हुए दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस के नेता और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत। फिलहाल ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। हल्द्वानी से तस्वीरें हैं, उत्तराखंड के हल्द्वानी से, जहां पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत धरने पर बैठे हुए हैं। गड्ढा मुक्त सड़कों की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। हल्द्वानी से ये खबर है और सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत धरने पर बैठे हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, कांग्रेस के नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत धरने पर बैठ चुके हैं। गड्ढा मुक्त सड़कों को लेकर आज धरने पर बैठ गए हैं हरीश रावत। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बीच सड़क पर ही गड्ढा देखने के बाद धरने पर बैठ गए हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस के नेता हरीश रावत धरने पर बैठे हुए हैं। तो हल्द्वानी से ये तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। गड्ढा मुक्त सड़कों को लेकर धरने पर हैं पूर्व सीएम हरीश रावत। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत धरने पर बैठे हुए हैं फिलहाल। और आज इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ में ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, गड्ढा मुक्त सड़कों की मांग को लेकर आज गड्ढे के ठीक बगल में धरने पर ही बैठ गए हैं हरीश रावत, क्या लगता है सरकार की आंखें खुलेंगी अब? बिल्कुल गरिमा, देखिए चाहे हम जहाँ पर ये इस समय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बैठे हैं, ये हल्द्वानी है, और पूरे अगर बात करें तो ओवरऑल राजधानी सहित तमाम कई ऐसे जिले हैं जिनमें जो है सड़कें जो है बदहाल है, जिसको लेकर के कई बार जो है धामी सरकार ने सख्ती से जो है इस पे जो है अधिकारियों को फटकार भी लगाई थी कि गड्ढा मुक्त जो है वो प्रदेश होना चाहिए। लेकिन लंबे समय से आप देखेंगे कि तो जो रोड है वो टूटी हुई है। स्मार्ट सिटी का एक बहाना जो है वो सरकार हमेशा दे रही है कि स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, और वो काम भी जो है अभी हमने हाल ही में जो चर्चा भी की थी इसी विषय पे गरिमा, तो कुछ जो धरातल पे जो है सड़क को लेकर के, रोड मैप को लेकर के, वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जो है दो दिन से जो है चंपावत के दौरे पे थे, क्योंकि वहां पर चुनाव का प्रचार के लिए वो वहां पहुंचे थे, और क्यों आज वो हल्द्वानी की व्यवस्था जो है वहां रोडों की देख रहे हैं, तो उनका जो उनसे बात हुई है तो उनका मन जो है विचलित हो गया। वो कह रहे हैं कि इस तरीके की गड्ढे जो है, तमाम बड़े बड़े गड्ढे, ये नहीं पता चल रहा है कि गड्ढा कहाँ है और सड़क कहाँ है, तो इसी को देखते हुए अपनी गाड़ी से उतरे और वो बीचों बीच सड़क के बीच में जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव, बीचों बीच सड़क पर बैठ गए हैं, क्योंकि उनका यही कहना है कि जब तक ये सड़कें बदहाल है, जिससे सिर्फ बदहाल है, सिर्फ एक सरकार का जो है ध्यान इस पे लाने के लिए जो है हमें इस तरीके का जागरूक अभियान जो है वो चलाना पड़ेगा, क्योंकि आम जनता जो है वो त्रस्त है, क्योंकि गड्ढे हैं, इनकी वजह से बड़े हादसे हो रहे हैं। जब सरकार इस पे दावे कर रही है तमाम स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, तमाम रोड मैप को दुरुस्त करने के लिए, तो आखिरकार इस तरीके के गड्ढे क्यों नहीं भरे जा रहे हैं? तो कहा जा सकता है कि गरिमा जो है ये तस्वीरें बयां कर रही है कि जो प्रदेश की हालत है, जो गड्ढे हैं, उसमें एक सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री जो पूर्व रह चुके हैं कांग्रेस के हरीश रावत, उनको सड़क पर बैठना पड़ा। ये देख ये तस्वीरें की मजबूरी जो है वो बयां कर रही है कि हालात जो है वो बेहद बदतर है सड़कों के, और इस पे अगर जल्दी ही कोई ध्यान नहीं दिया गया तो राजधानी सहित तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर रोड मैप और कनेक्टिविटी को लेकर के आगे जैसे मानसून शुरू हो जाएगा तो बड़ी जो है दुर्घटना का ये हिस्सा बन जाते हैं, और इससे बड़ा नुकसान जो है आम जनता को झेलना पड़ता है। बिल्कुल, देखिए राजेश जी, हम लगातार इसको लेकर बात भी कर रहे थे, हमने इस पर डिबेट भी की थी कि आखिर गड्ढा मुक्त सड़कें कब होंगी, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के या सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं वो ये कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि भाई हम तो 4 लेन सड़कें करवा रहे हैं, हम तो स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, इसी के चलते सड़कों पर खुदाई करती गई है। तो ऐसे में आप क्या लगता है, जब खुद हरीश रावत इस तरह से सड़क पर बैठ जाएंगे, तो सबसे पहले तो यहां पर ये कि हरीश रावत धरने पर बैठे हैं, अभी कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहे, अकेले दिखाई दे रहे हैं इन तस्वीरों में हरीश रावत, क्या कार्यकर्ता भी पहुंच सकते हैं, मामला तूल पकड़ सकता है, और क्या सरकार इस पर अब क्या कुछ कहने वाली है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए गरिमा, जो हरीश रावत है पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के जो है, उनको मुझे लगता है कि किसी का वो मोहताज नहीं है, वो अपनी लाइन जो है वो खुद खींचना जानते हैं, उन्हें पता है कि सरकार के कानों तक
किस तरीके से आवाज पहुंचानी है, चाहे वो किसी की कार्यकर्ता का या किसी समर्थक का जो है वो इंतजार करते हैं। उनको लगता है कि अगर यहाँ पर कहीं मनमानी चल रही है, कहीं व्यवस्थाएं जो है वो आम जनता के अनुकूल नहीं है, तो वो खुद स्वयं जो है वो अपना आप अकेले ही बैठ जाते हैं। कभी मौन पे आपने देखा होगा कि मौन धारण कर लेते हैं, एक एक दो दो घंटे के लिए वो प्रयास करते हैं कि जनता के बीच जनता की जो आवाज है वो सरकार तक पहुंचाई जाए। और मुझे लगता है कि एक बड़ा उदाहरण जो है जो आज मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, अगर यहाँ पर जिस तरीके की तस्वीरें आ रही है, तो अगर वो यहाँ बैठे हैं तो देखिए आप देख सकती हैं कि ये मैसेज जो है बिल्कुल बहुत तेजी से वायरल होगा। और मुझे लगता है कि इसका संज्ञान जो है सरकार जल्द देगी, क्योंकि इस तरीके की स्थिति एक हल्द्वानी की नहीं है, ऐसे तमाम ऐसे जिले हैं जहाँ पर सड़कों की जो व्यवस्था है, सड़कों के जो बड़े बड़े गड्ढे हैं उनकी वजह से जो है अव्यवस्थाएं, और आए दिन गरिमा हम लोग देखते हैं कि जो है रोड दुर्घटनाएं जो है वो हो जाती हैं, बड़ा सामना जो है कठिनाई का वो आम जनता को करना पड़ता है। और जैसे आपने जिक्र किया कि अभी हमने कल ही में जो है स्मार्ट सिटी को लेकर के, इन बड़े बड़े गड्ढों को लेकर के, बारिश में जो ओवरफ्लो नालियां नाले हो रहे हैं उनको लेकर के डिबेट भी की, और उसमें जो भाजपा के नेता है उनका यही मानना है कि स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है। आखिरकार ये एक साल में प्रोजेक्ट निपटने वाला था और उसको चलते चलते तीन साल जो है वो गरिमा बीत चुके हैं, कोरोना का भी हवाला दिया जा रहा है। चलिए खैर कोई बात नहीं, लेकिन व्यवस्थाएं जो है वो रोड मैप की दुरुस्त होनी चाहिए, हमारा यही कहना और हमारा यही मानना है कि जो के न्यूज के माध्यम से और जो इस समय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रोड पर बैठे हैं, तो ये मैसेज जो है सरकार के पास तक जाए और ये जो अव्यवस्थाएं जो है सड़कों पर फैली हुई है, क्योंकि आम जनता को सिर्फ यही चाहिए कि जो रोड मैप है वो दुरुस्त होना चाहिए, बिजली पानी का संकट प्रदेश में नहीं होना चाहिए। अगर ये चीजें भी दुरुस्त नहीं होगी तो एक कहीं ना कहीं जनता के साथ छलावा है गरिमा, और कुछ नहीं। बिल्कुल, देखना होगा कि इस पर जनता क्या रुख अपनाती है। शुक्रिया फिलहाल के लिए राजेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत धरने पर बैठ गए हैं, तस्वीरें आप देख ही पा रहे हैं, जहां पर सड़क से वो गुजर रहे थे, अपनी कार से थे, लेकिन जब उन्होंने सड़क पर गड्ढे देखे तो वो अपनी गाड़ी से नीचे उतरकर धरने पर सड़क पर ही बैठ गए हैं।